असलम माई ब्यूटिफुल जूटियो फैमिली आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी हम बिल्कुल ठीक हैं लेकिन यहाँ पे बहुत शदीद किस्म की रात में बारिश हुई थी और यहाँ पे जब भी बारिश होती है तो कभी ऐसे नहीं होता कि टेरेस पे पानी आ जाए तो मैंने कभी कुछ उठाया भी नहीं क्योंकि अगर कपड़े वगैरह फैलाए हुए भी, भी हों तो पानी नहीं आता लेकिन इतनी ज़्यादा शदीद रात में बारिश हुई कि मेरे तमाम कपड़े और जो भी कुछ टेरेस पर था सब कुछ गीला हो गया लेकिन चले वो तो कोई मसला नहीं बंदा उसको ड्राई कर लेता है बाद में लेकिन मौसम इतना प्यारा हो रहा था इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि मज़ा ही आ गया यहाँ पे तो वैसे भी बारिश बहुत ही कम कम होती है लेकिन जिनको बारिश पसंद हो उनकी के लिए तो समझ समझने वो ईद का दिन हो गया अच्छा खैर मौसम अच्छा था मेरा ना कुछ एक पार्सल आया हुआ था मैंने टीमू से मंगवाया था टीमू भी एक नई ऑनलाइन ऐप ही है तो मुझे एक बार पहले एक्सपीरियंस हो चुका है उससे एक चीज़ मंगवाने का मैंने अपने सोफा के कवर्स वगैरह मंगवाए थे तो काफ़ी अच्छे निकले तो मैंने कहा एक बार और ट्राई करते हैं तो मैंने कुछ चीज़ें छोटी छोटी कुछ चीज़ें थी मंगवाई थी जस्ट फॉर ट्रायल बेस के कैसा क्वालिटी या कैसा रिजल्ट होता है पार्सल मेरा तो एक दिन पहले आ गया था लेकिन मैं आज जो उसको ज़रा खोल के चेक कर रही थी तो ये एक ट्राईपॉट स्टैंड मंगवाया था वैसे तो मेरे पास पहले भी था लेकिन वो टूट चुका था और टूटे हुए से ही मैं गुजारा कर रही थी तो मैंने एक वही नॉर्मल जिस तरह का पहले है वैसा ही ऑलमोस्ट मुझे मिला है पहले वाला मैंने अमेजोन से मंगवाया था लेकिन अमेज़ोन पर अब रेट्स वगैरह जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए बढ़ गए हैं ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलती हैं तो ये एक नई वेबसाइट मुझे नज़र आई ऑनलाइन शॉपिंग के लिए तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं बहरहाल ठीक है ये मैं उधर मिला था मुझे एक रमज़ान का रमज़ान आने ही वाला है तो मैंने कहा छोटी छोटी तैयारी शुरू करते हैं मज़ा आता है रमज़ान में इस तरह का कुछ डेकोर वगैरह करते हुए अच्छा टीमों से चीज़ें मंगवाने के ना कुछ चीज़ें जो मुझे लगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अच्छा वहाँ पर ना चीज़ों की जो क्वालिटी तो ठीक होती है लेकिन साइज़ बहुत छोटे छोटे होते हैं उधर पिक्चर में शायद मैंने उनको ना आ, देखा होगा कि, कि कितने इंच का है या कितनी उसका साइज़ है लेकिन जब वो रिसीव हुई तो मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ें लग रही थी सारी नहीं लेकिन कुछ कुछ चीज़ें लेकिन ओवरऑल वैल्यू ऑफ मनी है प्राइसेस के हिसाब से चीज़ें ठीक हैं ये बच्चों के मैंने कुछ इलेक्ट्रिक ब्रशेस वगैरह मंगवाए थे काफ़ी अच्छे लगे मुझे और बच्चों ने फिर यूज़ भी किए थे वाकई काफ़ी अच्छे थे और साथ में इनके उन्होंने एक्स्ट्रा जो ब्रशेस के आप रिमूवेबल डिस्पोजेबल होते हैं ऊपर वाले ब्रश जो हैं ख़राब हो जाए तो आप चेंज कर सकते हो वो भी उन्होंने साथ दिए हुए थे ईच ब्रश के चार चार पाँच पाँच एक्स्ट्रा ऊपर वाले ब्रश थे तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि ब्रश ख़राब हो जाता है थोड़े अर बाद उसके जो वो होते हैं साफ करने वाले ब्रश जो होता है वो तो ये अच्छा था अच्छा, था। अच्छा मैंने बैग्स वगैरह बच्चों को मंगवाए थे पर अनफॉर्चुनेटली ये इतने छोटे साइज के मिले हैं लेकिन दिखने में जब मैंने मंगवा रही थी ऑनलाइन काफी बड़े बड़े लग रहे थे इस ऑनलाइन ऐप पे टीमू पे शॉपिंग ऐप ही है ये भी अमेज़ोन की तरह ही या शीन की तरह ही लेकिन इस पर एक चीज़ तो चलें अच्छी है कि यहाँ पे प्राइस जो हैं वो भी काफ़ी बेहतर हैं लेकिन जो चीज़ें होती हैं ना क्वालिटी वाइज तो ठीक होती हैं लेकिन साइज़ मुझे लगता है बहुत छोटा होता है अच्छा ये मैंने बखूल के लिए एक मंगवाया था दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा था और मेरा ख्याल भी यही था कि बड़ा सा होगा लेकिन जब वो आया तो इतना टाइनी सा था लेकिन चलें खैर कोई बात नहीं समाइम ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंस जो होते हैं वो कर ही लेने चाहिए तो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी मंगवाई थी छोटी छोटी सी चीज़ें तो अच्छी आ गई थी और अगर टीमू पे किसी ने शॉपिंग करनी हो तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि साइजेस को देखकर कर अच्छे तरीके से पढ़कर मंगवाइएगा वैसे प्राइसेस वाइज भी अच्छा है और क्वालिटी में भी अच्छा होता है अच्छा खैर आज बारिश हो रही थी और बारिश और पकोड़े ना बने ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है तो अभी मैं बना रही थी पकोड़े मेरे घर में दो तरह के पकोड़े बनते हैं एक तो ये जो प्लेन आलू वाले पकोड़े होते हैं वो और एक मिक्स पकोड़े वैसे तो मेरे घर में सभी लोग आलू वाले पकोड़े खाते हैं लेकिन मैं जो है वो मिक्स वाले पकोड़े खाती हूँ जिसमें बारीक बारीक प्याज़ और बारीक बारीक आलू फ़्राइज़ की तरह बिल्कुल बारीक बारीक से कटे होते हैं ख़ैर मैं अभी बैटर वगैरह बना रही थी और बच्चों के जो आलू पकोड़ों का जो बैटर होता है ना उसमें मैं मोस्टली कुछ खास नहीं डालती क्योंकि बच्चे कोई ज़्यादा धनिया या गर्म मसाले वगैरह इस तरह की कोई चीज़ जो ज़ीरा धनिया पाउडर होता है इस तरह का कुछ चला हो तो बच्चे इतना लाइक नहीं करते तो बिल्कुल ही सिंपल नमक और रेड चिल्ली के साथ मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ और वो भी बड़े मज़े के लगते हैं नॉर्मली जो पकोड़े या इस तरह की चीज़ें होती हैं वो हम मोस्टली रमज़ान में ज़्यादा बनाते हैं या कभी कभी चलो बहुत ज़्यादा कोई दिल हो या कुछ इस तरह हो तो बना लेते हैं लेकिन यहाँ पे गर्मी इतनी होती है तो दिल ही नहीं करता और बारिश होती नहीं है तो फिर भी बारिश का जब कभी बीच में मौका आए तो फिर तो इस चांस को किसी सूरत मिस नहीं करना चाहिए जल्दी जल्दी पकौड़े बनाने में टाइम ही कितना लगता है जल्दी जल्दी ही मैंने पकौड़े बना लिए क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा प्यारा हो रहा था अच्छा एक और आपको मज़े की बात बताऊँ कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा

और इवन हमें मोबाइल्स पे जो अलर्ट के मैसेजेस होते हैं सेफ्टी के वो भी आ गए थे कि आप लोग घर पे रहें अगर ड्राइव कर भी रहे हैं तो वह सेफ़ एंड साउंड तरीके से ड्राइव करें और अगर मैं आपको इनकी सेफ़्टी और इन लोगों की जो प्रिकॉशंस करते हैं उनके बारे में बताऊँ ना तो वो तो नेक्स्ट लेवल के हैं हम बाहर निकले थे शाम के वक्त जब उस वक्त बारिश जब हम निकले थे तो बारिश नहीं हो रही थी दिन और रात पूरी बारिश होती रही थी तो हम बिल्कुल शाम शाम के टाइम मगरिब के से कुछ देर पहले बाहर निकले थे तो उस वक्त बारिश जो है वो रुकी हुई थी लेकिन जगह जगह पे उन्होंने ड्रेनर्स लगाए हुए थे कि पानी कहीं खड़ा ना हो फौरन ही वो उसको सक करके बड़े बड़े ट्रक्स में भरते थे और उनको कहीं पर भी जहां भी उन्होंने उसको डिस्पोज करना होता होगा वहां वो करते थे लिटरली एक जगह पर हम बारिश फिर शुरू हो गई थी जब हम बाहर गए थे काफ़ी तेज़ बारिश होने लग गई थी बाद में तो वहाँ पे एक जगह पे इस तरह था कि वो एक टनल सा था तो वहाँ पे मुझे जाने से पहले मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि यहाँ पे तो बड़ा पानी खड़ा होगा लेकिन आ, हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पर एक बंदा आ, एक चेयर पर बैठा हुआ था वो यकीन इसी डिपार्टमेंट से ही होगा जिसका काम होगा कि इस सारे पानी या इन चीज़ों को वो देखता होगा कि सक्करस वगैरह उधर वो लगे हुए थे बड़े बड़े पाइप वगैरह तो वो को ही मॉनिटर करा होगा तो वो वहाँ पे चेयर पे बैठा हुआ था अम्ब्रेला रख के रेन कोट पहन के तो मैं इतना इम्प्रेस हुई कि मैंने कहा कि देखो ये एक तो स्कूल्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें तो इन्होंने बंद की ही हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये साथ, -साथ काम कर रहे होते हैं कि कहीं पर भी पानी खड़ा ना हो क्योंकि यहाँ पे सैंड है और सैंड और रेत वगैरह की वजह से हर वक्त यहाँ पे सैंड स्टोन वगैरह आते हो रहते हैं तो जो ड्रेनेज होते हैं वो मोस्टली बंद हो जाते हैं ब्लॉक हो जाते हैं तो और वैसे भी जब रेत में कहते हैं ना पानी भरा है तो वो रेत और ज़्यादा उस जगह को से कवर कर देती है जितने भी ड्रेनर्स होते हैं तो फिर ये इसलिए तमाम जगह जगह पे सकर वग़ैरह इन्होंने रखे होते हैं जो पानी को फोर साथ के साथ सक कर रहे होते हैं एरिया को क्लियर कर रहे होते हैं तो ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी उसके बावजूद भी स्कूल्स इन्होंने बंद कर दिए थे कि बच्चे कहीं लेट ना हो जाएँ कोई एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो किसी किस्म का किसी को कोई परेशानी ना हो तो मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी अच्छा पकोडे शोड़े मेरे बन चुके थे बच्चों को तो मैंने उनके दे दिए थे साथ में मैंने अपने और हस्बैंड के लिए बना लिए थे चाय मैंने हस्बैंड को तो दे दी थी पहले ही लेकिन मैंने खुद के लिए इतनी चाय नहीं बनाई थी क्योंकि मैं ऑलरेडी सुबह में चाय थोड़ी ज़्यादा पी चुकी थी तो मेरा अभी दिल नहीं था फिर ख़ैर ये चाय पकोड़े और घर के कुछ छोटी मोटी चीज़ें निपटाने के बाद ना माइंड में ये था कि आज बाहर तो लाजमी जाना है लेकिन जिस टाइम बारिश हो रही थी उस वक्त हमारा कोई प्लान नहीं था क्योंकि हमें सुबह मॉर्निंग में वो जो अलर्ट का मैसेज आ गया था उससे भी थोड़ा सा दिल में हो गया था कि पता नहीं बाहर क्या सिचुएशन होगी तो नहीं जाते लेकिन फिर जब बारिश रुक गई बिल्कुल मौसम ऐसे क्लियर क्लियर लग रहा था तो हम लोगों ने कहा चलो चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए बारिश यहाँ होती कितनी है तो बारिश को इन्जॉय करना भी तो फ़र्ज़ होता है खैर हम बच्चों को अच्छे से पैक शेक करके क्योंकि बहुत तेज़ हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी और ठंड तो हो ही रही थी आजकल मौसम काफ़ी ठंडा हुआ है यहाँ पे और बड़ा प्यारा मौसम हुआ है हम निकल आए। जब हम बाहर आए थे तो बारिश बिल्कुल नहीं थी आप देख सकते हैं हाँ बादल बहुत गहरे थे बिल्कुल आसमान काला हो रहा था बड़े आ, गहरे और घने बादल थे लेकिन बड़ा अच्छा मौसम था बड़ा मज़ा आ रहा था लोग बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए थे यहाँ पे एक बद्दू लैंड बनाया हुआ था यहाँ डिफरेंट किस्म के खेमा वगैरह उन्होंने लगाए होते हैं जो आप रेंट आउट कर सकते हो ताकि वहाँ पे आप बेशक ओवरनाइट स्टे करो वहाँ पे आरबीक्यू करो चाहे कुछ खाना वगैरह बनाओ अगर अपने स्टोर्स वगैरह आप ले आते हो तो ये यू का कल्चर में ही है लोग ये लोग पसंद करते हैं स्पेशली अरब्स जो होते हैं वो हफ्ता हफ्ता भी आके इस तरह खेमा में रहते हैं और आम हमारे जो इंडियन पाकिस्तानी होते हैं हम भी ये चीज़ फिर जहाँ आप रहते होते हो वो कुछ ना कुछ ज़रूर करते हो तो हमारे यहाँ भी ये यह है कि यहाँ के लोग जो हैं वो इस तरह खैमा वगैरह रेंट आउट करते हैं और रात भी रुकते हैं तो डिपेंड करता है मौसम पे तो अभी यही था कि यहाँ पे फुल था बहुत ज़्यादा लोग थे ये इतने ढेर खैमे लगे हुए थे डिफरेंट साइज़ के कुछ बड़े कुछ छोटे डिपेंड करता है कुछ बज दफ़ा दो तीन फैमिलीज़ मिल के इकट्ठा ले लेती हैं और फिर वो इन्जॉय करती हैं उस टाइम को ओवरली बेसिस भी होते हैं बस एक दिन आप गुजारें सुबह आए शाम में आप चले जाएं या रात को रुकें तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार किस्म का माहौल हो रहा था लेकिन जब हम इधर से निकल रही थे ना तभी बारिश स्टार्ट होगी और मैं यही सोच रही थी कि ये लोग इतने ज़्यादा यहाँ पर आए हुए हैं तो फिर इन्होंने कैसे मैनेज किया होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग तो जस्ट अभी बारबेक्यू स्टार्ट कर रहे थे और चीज़ें वगैरह कर रहे थे और बस जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे थे बारिश और तेज़ और शद तेज़ शुरू हो गई थी जब हम घर से निकले थे तो बारिश नहीं थी मौसम काफ़ी ज़्यादा क्लियर था लेकिन जैसे ही हम निकले कुछ ही देर बाद तकरीबन आधे घंटे या चालीस मिनट बाद इतनी तेज़ बारिश शुरू हुई तो हम लोगों ने कहा चलो एक ड्राइव ही कर लेते हैं और फिर जैसे जैसे हम जा रहे थे तो भूख भी लगना शुरू होगी चाय और पकौड़े ये चीज़ें तो हम खा के ही आए थे तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ बाहर ही खाना खा लेते हैं खैर बस फिर हम लोग एक जगह पे रुके वहाँ पे खाना खाए ऐसे एक छोटी सी जगह थी अच्छा मज़ा आया अच्छा खाना था पीछे बैकग्राउंड में बारिश की आवाज़ आ रही है इतना अच्छा फील हो रहा है मुझे तो वैसे भी बारिश काफ़ी पसंद है होपफुली आपको भी आज का व्लॉग अच्छा लगेगा अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना Mama, मुझे अपनी याद आप ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ बस अब हम इसके बाद खाना खाएंगे और फिर हम कुछ देर बाद घर चले गए थे ब्लॉग को यहाँ ख़त्म करती हूँ मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़ चलो मैं उनको लेकर आ जाओ